हाँ जी, यहाँ से आज हमने पढ़ना शुरू किया इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के तरीके से एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट करने का अमल। ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट मेटल्स अगेंस्ट क्रोयन एंड टू इम्प्रूव देयर अपेयरेंस, के मेटल्स को क्रोयन से महफूज करता है और उनकी शक्ल यानी उनकी अपेयरेंस को, ज़ाहरी जो शक्ल है उसे बेहतर बनाता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आता है कि इसमें हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं जिसमें एनोड बनाया जाता है उस मेटल से जिसको आपने डिपॉजिट करना है। कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच मेटल इज़ टू डिपॉजिट। कैथोड वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आपने एनोड या किसी भी और मेटल को क्या करना है, डिपॉजिट करना है। द इलेक्ट्रोलाइट इज़ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल। कि इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सोल्यूशन होता है उस मेटल के सॉल्ट का जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करना है, जिस मेटल का आपने एनोड लिया उसी का आप सॉल्ट लेंगे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के तौर पर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रोसीजर भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि प्रोसीजर बताएं, इसको आपने ब्रीफली फिर बताना होगा कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं। ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन्ड विद सैंड, कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको आपने सैंड से क्लीन करना है, फिर उसे वॉश करना है कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से, और फाइनली इसे अच्छी तरह से वॉश करना है वाटर से। उसके बाद जो एनोड है वो क्या होता है, वो उस मेटल से बनाया जाता है विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड, जैसे क्रोमियम, निकल, जिंक, टिन, इस तरह की जो मेटल्स हैं उसको हम बनाते हैं एनोड के तौर पर जिसको हमने दूसरी मेटल पे डिपॉजिट करना है। कैथोड जो है वो मेड ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड लाइक सम शीट मेड अप ऑफ आयरन, कि कैथोड वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आपने दूसरी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है जैसे कि आयरन की शीट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा इन दिस सिस्टम, इट इज़ द सॉल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड, कि उस मेटल का सॉल्ट होगा जिसको आपने डिपॉजिट करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक क्या होगा, वो बना होगा सीमेंट से, ग्लास से या वुड से, जिसमें आपने एनोड एंड कैथोड को क्या करना है, सस्पेंड करना है, हैंग करना है, लटकाना है। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद अ बैटरी, एनोड और कैथोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे और करंट पास करना शुरू कर देंगे। When the metal from anode dissolves in the solution and metallic ions migrate to the cathode and discharge or deposit at the cathode, कि electric current pass होने के बाद क्या होगा कि जो anode से ions हैं, anode के जो atoms हैं वो ions में तब्दील होंगे metallic ions में, और वो metallic ions positively charged होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, cathode की तरफ। cathode पे जाके वो electrons को gain करेंगे, reduction process होगा और वो cathode पर deposit हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्चार्ज अ थिन लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से एनोड का जो मेटल की लेयर है वो कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, जिसको आप देन पुल करेंगे, उसे निकालेंगे बाहर और क्लीन करेंगे, साफ कर लेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर डिस्कस्ड हियर। पहली एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर हम कैसे करते हैं, बाय एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें आपने सिल्वर स्ट्रिप को लिया एनोड के तौर पर और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को लिया इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। कैथोड क्या है, मेटल का ऑब्जेक्ट है जिसको आपने सिल्वर के, जिसके ऊपर आपने सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, तो वो क्या है, स्पून, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं जब करंट पास किया गया सेल में से द एनोड डिसॉल्व्स टू प्रोड्यूस सिल्वर आइंस, कि ये जो एनोड है ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा यहाँ पर और क्या बना देगा, सिल्वर आइंस। सिल्वर आइंस माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड, कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि वो केटाइंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं। कैथोड पे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एनोड पर सिल्वर के जो सॉलिड मेटल एटम्स थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना दिया, सिल्वर पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो कि यहाँ से स्ट्रिप से कहाँ जाएगा, सोल्यूशन में, सोल्यूशन से ये सिल्वर आयंस कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। कैथोड पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और क्या बना देंगे, दोबारा से सिल्वर का सॉलिड मेटल एटम जो कि यहाँ पर दोबारा से डिपॉजिट हो जाएगा। तो एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल क्या है सिल्वर प्लेटिंग की, टेबल वेयर, कटलरी, ज्वेलरी एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स, यहाँ तक आज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।